हाल ही में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को टीवी रियलिटी शो लॉकअप का विजेता चुना गया है। ये वही मुनव्वर फारूकी हैं जिनके जोक्स को धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बताकर इन पर FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। मुनव्वर फारूकी को लेकर बाकायदा सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मुनव्वर चलाया गया, साथ ही उनके कई शोज को कैंसिल करवा दिया गया। मुनव्वर ने परेशान होकर कॉमेडी छोड़ने तक का मन बना लिया था, लेकिन रियलिटी शो लॉकअप के चलते फिर से एक बार टोगरी का राजा कहे जाने वाले मुनव्वर फारूकी चर्चाओं में हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मुनव्वर फारूकी के जीवन से जुड़ी तमाम ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आप जानते हो। तो अगर आप मुनव्वर फारूकी के फैन हैं तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे फ्यूचर में आने वाली हमारी सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 30 साल के मुनव्वर फारूकी का जन्म वर्ष 1992 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। मुनव्वर के पिताजी एक ड्राइवर थे और माँ थी हाउसवाइफ। मुनव्वर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जूनागढ़ में ही किसी प्राइवेट स्कूल से पूरी की। पहले तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में कई घर तबाह हो गए, उन्हीं में से एक घर मुनव्वर का भी था। इस सब ने उनके परिवार को झकझोर के रख दिया। हालात अचानक से बेहद खराब हो गए। मुनव्वर फारूकी कुल 4 भाई बहन हैं। मुनव्वर के अलावा उनकी 3 बहनें भी हैं। वर्ष 2007 में मुनव्वर के पिताजी ने गुजरात को छोड़ने का मन बनाया और अपने परिवार को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई से ही मुनव्वर ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मुनव्वर मुंबई के डोंगरी में रहते हैं। ये वही डोंगरी है जहाँ का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था। मुनव्वर बताते हैं कि उनके माता पिता के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। मैंने अपना पूरा बचपन अपनी माँ को या तो मार खाते हुए देखा या झगड़ते हुए। एक रात माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैं भी भागकर अस्पताल पहुंचा। मैंने देखा कि माँ बुरी तरह से चिल्ला रही थी। पता चला कि माँ ने तेजाब पी लिया है। माँ को बचाया नहीं जा सका। मुनव्वर और उनके पिता के बीच की दूरियों को भी मुनव्वर कई बार जाहिर कर चुके हैं। माँ के गुजरने के बाद तीनों बहनों की जिम्मेदारी मुनव्वर ने उठा ली। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुनव्वर ने बचपन में बर्तन बेचने की दुकान पर भी काम किया। मुनव्वर के दोस्त और कॉमेडी शो करवाने वाले द हेरिटेज के फाउंडर बलराज सिंह घई बताते हैं कि एक बार एक एड की शूटिंग चल रही थी। वहाँ किसी स्टैंड अप कॉमेडी इस सीन को फिल्माया जाना था। प्रोड्यूसर के पास कोई अलग से था नहीं जो मंच पर जाकर स्टैंड अप कॉमेडी करता हुआ दिखाई दे सके। प्रोड्यूसर ने मुनव्वर से कहा कि स्टेज पर जाकर 2 लाइनें बोल दो। मुनव्वर का परफॉर्मेंस लाजवाब था। उनके इस परफॉर्मेंस को देखकर सबको लगा कि उन्हें ये काम करना चाहिए, वो इसमें काफी अच्छे हैं। इसके बाद धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे। उनके पिताजी को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन फिर जब उन्होंने नोटिस किया कि मुनव्वर की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, लोग उनके साथ सेल्फी लेने आते हैं, तो वे समझ गए कि मुनव्वर सही रास्ते पर हैं, क्योंकि मुनव्वर बचपन से ही मजाकिया स्वभाव के रहे थे। धीरे धीरे लोग उनकी कॉमेडी को पसंद करने लगे। उनके शो विशेषकर राजनीति पर आधारित होते हैं। पहले तो उनके शो सिर्फ ऑफलाइन ही होते थे, लेकिन फिर जनवरी 2020 में उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और उस पर वीडियो अपलोड करने लगे। आज उनके इस यूट्यूब चैनल पर 27 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो कि उनके लॉकअप शो में एंट्री के बाद बेहद तेज रफ्तार से बढ़े हैं। इसके अलावा वे इंस्टाग्राम पर भी काफी फेमस हैं। इंस्टाग्राम पर उनके कुल लगभग 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जनवरी 2021 में जब पूरी दुनिया नई साल का जश्न मना रही थी, तब मुनव्वर फारूकी जेल जा रहे थे। कारण था उन पर दर्ज कराई गई FIR, जिसमें कहा गया कि मुनव्वर अपने जोक्स में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। मुनव्वर को 37 दिन जेल में रहना पड़ा। जेल से वापस आने के बाद मुनव्वर काफी परेशान दिखे, क्योंकि बात सिर्फ जेल तक नहीं रुकी थी। कुछ लोगों ने बाकायदा उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अभियान छेड़ रखा था, जिसके चलते उनके कई शोज भी कैंसिल हो गए। एक बार तो उन्होंने कॉमेडी ही छोड़ने का मन बनाया, लेकिन फिर हिम्मत दिखाई और दोबारा खड़े हुए। मुनव्वर आज फिर सुर्खियों में है। कारण है फेमस टीवी रियलिटी शो लॉकअप। इस शो में कच्चा बादाम सॉन्ग पर डांस करके फेमस हुई अंजलि अरोड़ा के साथ उनकी बॉन्डिंग बेहद पसंद की जा रही है। लोग उनके जोड़ी को लाइक कर रहे हैं और उनकी इस जोड़ी को मुंजली नाम तक दे दिया है। इसी शो में ये बात भी सामने आई कि मुनव्वर शादीशुदा हैं। 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी, जिससे उन्हें एक 3 साल का बच्चा भी है। हालांकि उन्होंने बताया कि कुछ निजी समस्याओं के चलते वे पिछले 2 साल से अपने बीवी बच्चे से दूर रह रहे हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर इससे ज्यादा बात करने से मना कर दिया। मुनव्वर फारूकी ने लॉकअप शो के ग्रैंड फिनाले में अंजलि अरोड़ा, पायल रोहतगी और शिवम को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इसके बाद यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्दी ही मुनव्वर खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस में भी नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। तो जजमेंट डे का इंतजार है बहुत ही उत्सुकता से।